everyone, welcome to my channel. So today we are going to solve class 6 maths chapter number 7 exercise 7.2 which is on page number 141. तो इसमें क्या है, इन्होंने बताया है कि नंबर लाइंस को ड्रॉ करना है और उन पे हमें ये पॉइंट्स लोकेट करने हैं. तो इसमें अब आप क्या करोगे, एक स्केल से पहले लाइन ड्रॉ करोगे, उस पे हमें ये जैसे 1/2, 1/4, 3/4, 4/4 ये हमें पॉइंट्स मार्क करने हैं उसी लाइन पे. तो उसके लिए हम चलो चलते हैं. ये एक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे आप. अब ये है, ये जो आप देख रहे हो ये है 1/2 मतलब हाफ, 1/4, 3/4, 4/4. 4/4 क्या हुआ, विच इज़ इक्वल टू 1. तो हमें ये 0 टू 1 के बीच में ही है, तो हम उतनी ही लाइन मारेंगे, उतनी ही लाइन लगाएंगे. 0 यहाँ सेंटर में लगाएंगे, 1 यहाँ पे लिखेंगे, 2. और आपको पता है ये साइड पॉजिटिव होती है और ये साइड होती है नेगेटिव माइनस वाली. तो यहाँ पे इंटीजर्स -1, -2 आएंगे, यहाँ पे आएंगे +1 और +2. ठीक है, अब ये जो 1/2, 1/4 है ये सारे प्लस वाली साइड हैं. 4/4 विच इज़ इक्वल टू 1 मतलब ये नंबर जो है वो सारे 0 से लेके इस 1 से पहले इन नंबर्स के बीच में लोकेट होंगे कहीं ना कहीं, राइट. तो हर नंबर हम यहीं पे लगाएंगे. तो अब देखो, पहला है 1/2, 1/2 मतलब 1 का हाफ. हम हाफ को ऐसे लिखते हैं ना, 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू हाफ मतलब 0 ये है, 1 ये है, तो इसका हाफ कहाँ हुआ. तो अब आप देखो स्केल से आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे इसका हाफ बनेगा. तो ये हमने लिख दिया 1/2. अब 1/4 क्या हुआ, 1/4 इज 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है, 1/2. 1/4 प्लस करते हैं तो हाफ बनता है ना, तो इसलिए 1/4 कितना हुआ, हाफ का भी हाफ. तो आ गया यहाँ पे हमने 1/4 मार्क कर दिया. अब 3/4 कितना हुआ, हाफ प्लस 1/4, तो हमने यहाँ पे कर दिया 3/4 मतलब 1/4 यहाँ मार्क हुआ, हाफ यहाँ हुआ, 3/4 यहाँ हुआ. और 4/4 कितना हुआ, 1, तो वो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया 1 विच इज़ इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये हमारा हो गया. अब नेक्स्ट आता है 1/8, 2/8, 3/8, 7/8. तो हम क्या करेंगे, ये मतलब 1 को, 0 से 1 को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो हम इस पे क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से. उसमें 0 से लेके 1 तक, पहले 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक लेके जाएंगे, और बीच में क्या करेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 7 पॉइंट 0 से 1 के बीच में मार्क करेंगे. मतलब 0 से लेके 1 तक कितने पॉइंट्स होंगे, 8 पॉइंट्स बनाएंगे हम. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, सेवन, एट. मतलब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 8 पार्ट्स में हमें ये डिवाइड करना है. ठीक है, अभी 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. तो अब हमें मार्क क्या क्या करना है यहाँ पे, 1/8. 1/8 क्या होगा, बिल्कुल जो फर्स्ट पार्ट होगा ये वाला, वो हो गया 1/8. 2/8 हो गया जो सेकेंड पार्ट हुआ. 3/8 हो गया जो थर्ड पार्ट. तो सेवेंथ पार्ट कहाँ आएगा, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, यहाँ आ जाएगा सेवेंथ पार्ट. मतलब ये 1 क्या हुआ, 8/8. ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसमें एक लाइन ड्रॉ करनी है. लाइन ड्रॉ करके उसको स्केल से इक्वली 8 पॉइंट्स पे आप 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दो उस लाइन को. ठीक है, फिर वो जो फर्स्ट होगा 1/8, 2/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8 ऐसे आ जाएगा. ठीक है, तो आपके पॉइंट सारे मार्क हो जाएंगे. अब नेक्स्ट है 2/5, 3/5, 8/5 एंड 4/5. तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम, अब यहाँ से क्या करेंगे, 0 से लेके हम 2 तक करेंगे. ठीक है, अब 5/5 क्या होता है, 1. तो 5/5 मतलब यहाँ पे आ गया 5/5, ये 0 है, ये 2 है, यहाँ पे आ गया 5/5 मतलब विच इज़ इक्वल टू 1. ठीक है, तो 2/5, 3/5 और 4/5 ऑब्वियसली इससे पहले होंगे. तो हमने पहले क्या किया, यहाँ तक 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इसको छोड़ दो. अब 2/5 हमने मेजर करना है, तो 2/5 कहाँ आएगा, सेकेंड पार्ट पे, मतलब फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट, यहाँ लिख देंगे हम 2/5. और 3/5 कहाँ आएगा, ऑब्वियसली थर्ड पॉइंट पे. 4/5 आया फोर्थ पॉइंट पे. तो इसी तरह 8/5 कहाँ आएगा, 8/5 आएगा एट पॉइंट पे. मतलब ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, 9 और 10 इस तरह हमने बना दिया. अब 10/5 क्या होता है,
टू होता है ना, फाइव के टेबल में टू कहाँ आता है, टेन कहाँ आता है, टू पे। तो ये हमने ज़ीरो, वन और टू सबसे पहले बनाए। वन क्या है, फाइव बाई फाइव, फाइव बाई फाइव कितना हुआ वन, और टेन बाई टू कितना होगा एट। तो हमें टेन, टू तक तो ज़रूरी नहीं है हम जाएँ, लेकिन यहाँ पे एट बाई फाइव भी दिया है, तो एट बाई फाइव मतलब वन से तो आगे होगा, तो हमें ज़ीरो से स्टार्ट करके टू तक बनाना है। ज़ीरो, वन और टू बना दिया, फिर इसको हमने फाइव फाइव पार्ट्स में डिवाइड करना है। वन टू थ्री फोर, फाइव पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फिर वन टू थ्री फोर, फाइव पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो सेकेंड टू बाई फाइव हो गया, टू बाई फाइव, थ्री बाई फाइव, फोर बाई फाइव आ गया। अब एट बाई फाइव क्या होगा, ये आ गया फाइव बाई फाइव, ये सिक्स बाई फाइव, ये सेवन बाई फाइव और ये आ गया एट बाई फाइव, और ये होगा नाइन बाई फाइव, और ये होगा टेन बाई फाइव, जो कि टू भी लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमारे ये वाला ड्रॉ कर लिया हमने। अब नेक्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन कौन से होते हैं, ये जो नंबर जैसे हमने बनाए ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। ये जो सारे नंबर्स आपको इस वे में दिख रहे हैं ये होते हैं मिक्स फ्रैक्शंस। यहाँ पे आता है कोशेंट, यहाँ आता है रिमाइंडर, यहाँ आता है डिवाइज़र, ठीक है। तो अब हमने 20 डिवाइडेड बाय 3 करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, 20 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 के टेबल में 20 कहाँ आता है, 18 आता है 6 पे, और कितना रिमाइंडर बचा 2। तो कोशेंट लिखेंगे यहाँ पे 6, रिमाइंडर लिखेंगे यहाँ पे और डिवाइज़र लिखेंगे यहाँ पे। तो इसका 20 बाय 3 का मिक्स फ्रैक्शन क्या बना, कोशेंट रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइज़र, मतलब 6 2 बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 20 बाय 3, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है 11 बाय 5। तो 11 बाय 5 को हम 11 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 के टेबल में 11 आता है, नहीं आता, 10 आता है, 10 कहाँ पे आता है, 2 पे। तो 11 माइनस 10 1, तो कोशेंट क्या हुआ 2, रिमाइंडर क्या हुआ 1, डिवाइज़र क्या है 5, तो राइट 2 1 बाय 5, ठीक है, 2 1 बाय 5 आ गया इसका मिक्स फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट है 17 बाय 7 का। 17 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 के टेबल में 17 तो नहीं आता, तो 7 3 से कितना होता है 21, वो हम लिख नहीं सकते। 17 से छोटा क्या आता है 14, जो कि आता है 2 पे, तो 7 2 ज 14, और रिमाइंडर कितना हुआ 17 माइनस 14 3, तो 2 3 बाय 7, 2 क्वेश्चन्ड, 3 रिमाइंडर एंड 7 आए डिवाइज़र। अब 28 बाय 5 को भी इसी तरह करेंगे, 5 5 ज 25, 28 माइनस 5 3, तो 5 3 बाय 5। इसी तरह 19 बाय 6 का भी करेंगे, 6 3 ज 18, राइट, 6 3 ज 18, 19 में से 18 माइनस के 1, तो 3 1 बाय 6। 35 बाय 9 को भी इसी तरह करेंगे, 9 3 ज 27, तो 27 35 में से माइनस किया 8 आ गया, तो 3 8 बाय 9, ठीक है। अब वो कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग इज, ये हम सारे मिक्स फ्रैक्शन में ले आए, अब मिक्स फ्रैक्शन को वो कह रहे हैं दोबारा आपको फ्रैक्शन में लेके आना है। अब वो किस तरह करेंगे, 7 3 बाय 4 दिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता देती हूँ, इसका है होल मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से, होल मतलब ये जो नंबर है इसको कहेंगे होल, ये है न्यूमिरेटर ऊपर वाला और ये है डिनोमिनेटर। तो फॉर्मूला क्या था, होल मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। होल मतलब पहला नंबर 7 इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो आप कैसे करोगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस न्यूमिरेटर जो कि है 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर विच इज़ 4, तो 7 4 इज़ 28 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 31 बाय 4। उसके बाद है 5 6 बाय 7, तो होल क्या है 5, डिनोमिनेटर क्या है 7, न्यूमिरेटर क्या है ऐड कर दो उसको 6 और डिनोमिनेटर क्या है 7, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 7 विच इज़ इक्वल टू 41 डिवाइडेड बाय 7। अब सी पार्ट है 2 5 बाय 6, तो होल इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6। अब 2 इंटू 6 को हम ब्रैकेट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, तो मल्टीप्लाई क्या हुआ 6 इंटू 2 12, ब्रैकेट ओपन करेंगे ना सबसे पहले, तो 6 टू से 12 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6, तो आ गया 17 बाय 6। नेक्स्ट है 10 3 बाय 5, वैसे ही 10 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5,
10 5s are 50, 50 plus 3, 53 divided by 5. अब 9 3 by 7, 9 whole number यहाँ आया, denominator multiply किया, bracket close किया, plus numerator divided by denominator. तो 9 7s are 63, plus 3 divided by 7, 66 by 7. अब इसी तरीके से 8 4 by 9, 8 into 9, प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9 विच इज 72 प्लस 4 76 डिवाइडेड बाय 9. तो ये हमने कर दिया फ्रैक्शंस में. सो विद दिस वी हैव एंडेड अप एक्सरसाइज 7.2. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. मैं अब आपको नेक्स्ट 7.3 के साथ बहुत ही जल्द मिलूंगी. बट प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. सो टिल देन टेक केयर, हैव फन एंड बाय बाय. खूब सारी मस्ती करो, एंजॉय करो. बाय.